ब्यावर में दिनों दिन पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण शहरवासियों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। कई जगह पर तो हालात यहाँ है कि क्षेत्र के निवासियों को महंगे दामों में पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। वहीं कुछ समय पूर्व शहर के तेली मोहल्ला के वासियों ने भी रास्ता जाम कर पानी की समस्या को लेकर आंदोलन किया था। शहर में बढ़ती समस्या पानी की समस्या, सोमवार को शहर के वार्ड संख्या 29 के पुष्करगंज में पेयजल समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों का गुस्सा जलदाय विभाग के खिलाफ फूट पड़ा और क्षेत्र की महिला तथा पुरुषों ने वार्ड पार्षद रेखा कुमावत के सानिध्य में जलदाय विभाग के टारगर रोड पानी की टंकी स्थित कार्यालय पर पहुँच कर उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग हाय हाय के जमकर नारे लगाए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड में जलदाय विभाग की ओर से अनियमित पेयजल सप्लाई की जा रही है। सप्लाई के दौरान पेयजल वितरण भी कम प्रेशर से किया जा रहा है, जिसके कारण यहां के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्डवासी पूरा पानी भी नहीं भर पाते हैं, उसके पहले ही पेयजल सप्लाई बंद हो जाती है। दूसरी ओर जब पेयजल सप्लाई होती है तो विद्युत विभाग द्वारा बिजली की कटौती कर दी जाती है, जिससे लोग पानी नहीं भर पाते हैं। वार्डवासियों ने प्रशासन से क्षेत्र में बढ़ती पेयजल समस्या के समाधान की मांग की है। इस दौरान पार्षद रेखा कुमावत ने बताया कि क्षेत्र में हो रही पेयजल समस्या को लेकर उन्होंने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन विभाग की ओर से अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के सहायक अभियंता SD गहलोत को वार्ड पार्षद रेखा कुमावत तथा क्षेत्रवासियों ने पेयजल समस्या को लेकर खरी खोटी सुनाते हुए शीघ्र ही समस्या समाधान की मांग की। क्षेत्रवासियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गहलोत ने शीघ्र ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया। गहलोत ने बताया कि सप्लाई चेक कर 7 दिनों के भीतर भीतर समस्या का समाधान किया जाएगा और अगर पेयजल पाइपलाइन बदलने की जरूरत पड़ी तो लाइन को अमृत योजना के तहत बदला जाएगा। जलदाय विभाग कार्यालय में प्रदर्शन करने वालों में संतोष कुमावत, मनजोत कौर, मोना कुमावत, सीमा कुमावत, प्रकाश कौर, लहरा देवी, सुमन देवी, ममता शर्मा, माया कुमावत, रजनी शर्मा, संगीता, ऋतु लांबा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के महिला तथा पुरुष मौजूद रहे। मेरे वार्ड में पानी की समस्या है। पानी की समस्या को लेकर वार्डवासी मेरे साथ आए हैं। मैं आज पानी के लिए वार्डवासी के लिए धरने को यहाँ बैठूंगी। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी मेरे वार्डवासियों की पानी की, तो मैं नहीं उठूंगी। जब तक मेरी पूरी समस्या नहीं हल करेंगे तब तक मैं यही रहूँगी, धरने पर ही बैठूंगी। 5 दिन से पानी आया, 5 दिन से 4 दिन से पानी आता है, कोई टाइम नहीं होता है। पानी 15 मिनट 20 मिनट पानी आता है। पार्षद महोदय आई है, उनसे वार्ता कर ली गई है और उनको कहा कि आपकी सप्लाई चेक करके और 7 दिन में जहाँ भी समस्या होगी उसमें आवश्यक सुधार कर देंगे। अगर कहीं लाइन बदलने की आवश्यकता होगी तो वो अमृत योजना में बदली जाएगी, उसका अमृत योजना में स्थायी समाधान किया जाए। मेट्रो सिटी की तर्ज पर अब आपके ब्यावर शहर में लस्सी डे कैफे, जहां आप पाएंगे 10 फ्लेवर लस्सी, 5 फ्लेवर फालूदा, मिल्क शेक, स्पेशल आइसक्रीम, बेल्जियन चॉकलेट, मैंगो अल्फांसो, ड्राई फ्रूट संडे, फ्रूट सलाद, आइसक्रीम, लोडेड चॉकलेट, केरला कुट आइसक्रीम, बर्गर पाव, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड मोमोज, चीज पिज्जा फिंगर, चीज बाइट्स, कोल्ड कॉफी, बबल ड्राई फ्रूट शेक, लस्सी में रॉयल लस्सी, फलूदा स्पेशल, काजू अंजीर शेक, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी की शानदार व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की सुविधा। तो आज ही चले आए लस्सी डे कैफे, पानी की टंकी के पास, गणेशपुरा रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर राहुल सदनानी 9468754759, वंश सदनानी 8619043464।